मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का मेरे चैनल मुंबई स्पाइस में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन चिकन कटलेट्स। हमने 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 250 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट ली है हमने, 1 कप वाटर लिया है बॉईल करने के लिए। कुकर लिया है, 1 कप वाटर ऐड करेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। पाउडर ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर। हम इसमें 1/4 किलो चिकन ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिड को कवर करके हम इसे 5 मिनट तक के पकाएंगे। ओपन करेंगे, माशाल्लाह देखिए चिकन बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इसे बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसका चिकन स्टॉक साइड पर प्रिजर्व करेंगे। रशियन चिकन कटलेट्स के लिए हमने 1 कप मैदा लिया है, यानी ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून विनेगर लिया है यानी सिरका, 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, 1 कप फाइनली चॉप फ्रेंच बीन्स ली है यानी फरसबी, 1 कप कैरेट लिया है यानी कि गाजर फाइनली चॉप, 1 कप मिंट और कोरिएंडर, कोथमीर और पुदीना लिया है। हमने एक कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रखी है, इसमें हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अब गर्म हो चुका है, हम इसमें चॉप्ड फ्रेंच बीन्स और कैरेट ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए वेजिटेबल बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम स्टोव ऑफ करके इसे उतार लेंगे। फ्राई में हम 1/3 कप ऑयल ऐड करेंगे। कप मैदा ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से सौते करेंगे।
हम इसे अच्छे से सौते करेंगे। आटा कितने अच्छे से भुना जा चुका है, इसे हम 2 से 3 मिनट और भुनेंगे। आटा बहुत अच्छे से भुना जा चुका है, इसका कलर चेंज होकर ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे हल्का हल्का सौते करते रहेंगे। मसाला अच्छे से सौते हो चुका है आटा के साथ। इसमें हम फ्राइड वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। देखिए चिकन बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है। हम इसके थ्रेड्स बना लेंगे। हमने बॉईल चिकन के थ्रेड्स बना लिए हैं। हम इसे कढ़ाई में ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने चिकन को अच्छे से सौते कर लिया है। हम इसमें चिकन स्टॉक जो हमने अलग किया था वो ऐड करेंगे। अच्छे से इसमें हम 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर लेंगे। और इसे अच्छे से सौते करेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भुना जा चुका है। हम इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फाइनली चॉप की हुई धनिया यानी कोरिएंडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके स्टोव को बंद कर देंगे। हमने रशियन कटलेट्स को डिप करने के लिए एक एग लिया है और व्हाइट बारीक सेव ली है। अब हम हमारी कटलेट्स बनाएंगे। इसे एग में डिप करेंगे। इसी तरह से हम सभी कटलेट्स रेडी कर लेंगे। कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे।
तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, हम इसमें कटलेट्स फ्राई करेंगे। हम हमारी कढ़ाई को ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे। फ्लिप करेंगे। ये दूसरी तरफ से भी पकने लगा है, हम इसे फिर से फ्लिप करेंगे। कटलेट्स बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है, इसमें हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लग गया है। हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन कलर हुए तक के। माशाल्लाह, देखिए कटलेट्स रेडी हो गई है, इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी कटलेट्स फ्राई कर लेंगे। हमारी रशियन चिकन कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम इसे सलाद, कोरिएंडर मिंट की चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। अभी बनाइए, खाइए, खिलाइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर दबाइए, इससे आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले और फ्री में देखने मिलेगी।